एक रिसर्च हो रही है हार्वर्ड में पिछले 75 साल से, आप में से किसी को पता है उसके बारे में? वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च के जिनकी लाइफ खुशी खुशी निकलती है और जिनकी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड निकलती है उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है। यानी कि जब वो लोग 15 साल के थे तब से उन्होंने उन लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों को जिसमें से किसी की एज आज बढ़ करके मान लो 90 ईयर्स हो गई है, 80 ईयर्स हो गई है, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि क्या फर्क होता है उन लोगों में जो एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीते हैं, यानी कि खुशी खुशी जीते हैं, खुशी खुशी मरते हैं, और क्या उन लोगों में फर्क होता है जो फ्रस्ट्रेटेड ही जीते हैं और फ्रस्ट्रेटेड ही मरते हैं। फाइनली जो कंक्लूजन निकला है एक लाइन के अंदर अंदर वो ये निकला है कि जिन लोगों की रिलेशनशिप्स अच्छी होती है वो खुश रहते हैं, जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, वो दुखी रहते हैं। ये निकला है मतलब पूरी उस रिसर्च में से, है ना कुछ इंटरेस्टिंग। हम क्या सोचते हैं सक्सेस, मतलब उस रिसर्च में से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड्स में चले गए, जब मानो उनको ट्रैक किया गया तब से जब वो 15-16 साल के थे, तो कोई उसमें से आगे जाकर के लॉयर बन गया, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, कोई कम हुआ, बट जो निकल करके आया है फाइनली जो निकल करके आया है वो ये है एक लाइन के अंदर अंदर, मतलब ये सबसे बड़ा कॉज है हैप्पीनेस का, जिसको हम बुरी तरह से इग्नोर करते हैं क्योंकि आपने सब कुछ अचीव कर लिया लेकिन रिलेशनशिप्स ही खोखली है, क्या करोगे ऐसी लाइफ का सोचो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमको आज समझना है साथ में मिल करके, मतलब डिस्कशन करना है इसके ऊपर, बिकॉज यहाँ पे मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, तो दोनों के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करनी है कि एक अच्छी रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप। तो अपने दिमाग को खुला रखेंगे, जज नहीं करेंगे कि वो कुछ भी बोलें, तो ये नहीं कि हम बैठ करके जजमेंट पास कर रहे हो ये क्या बोल रहे हो, जस्टिफाई नहीं करेंगे अपने आप को कि इफ देयर इज अ लेडी हु इज सेइंग समथिंग, तो ये नहीं कि वहां से लड़के बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है ये खचरों वाली हरकतें हैं, तो ये अभी थोड़ी देर के लिए ना करो तो बेटर रहेगा, है ना। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इफ एनी बडी इज सेइंग समथिंग तो हमको अपनी पूरे ध्यान से उनको सुनना है, समझना है और कुछ सीख करके यहाँ से जाना है, बस यही गोल है हमारा सबका। हाँ, माइक लेकर के बोलिए। हेलो सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, इवन इफ ही और शी इज डिसऑनेस्ट, देन ऑल्सो यू रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग। माइट बी देयर वुड बी सिचुएशंस व्हेन ही हैज टू बी डिसऑनेस्ट और यू क्रिएट सम पॉसिबिलिटीज फॉर हिम टू बी डिसऑनेस्ट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। हमें ये देखना चाहिए कि पर्सन की क्या वैल्यू है इन नॉट स्टूपिड सिचुएशंस की, कि वो तो होती रहती हैं, कभी अच्छा है कभी बेकार है। Excellent. Let's get a big hand for us. मजे की बात क्या है, ये सारी बातें हमको पता है, तो अब दो तरीके हो सकते हैं सेशन में आगे बढ़ने के। जैसे अब आप सुन रहे हो इनकी बात तो आप कहोगे अंडरस्टैंडिंग में क्या नई बात है, तो हमें पता है। तो पता है इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि क्या उस बात को आपने अपनी लाइफ में उतारा है या नहीं उतारा है। जैसे हमको पता है कि हाँ भाई स्विमिंग कैसे करते हैं, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, स्विमिंग आती है नहीं, स्विमिंग नहीं आती है, पता है मुझे स्विमिंग कैसे कर, तो क्या करेगा उसका पता करके। हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट पता है, रियल लर्निंग मींस कि ये समझना कि इसको प्रैक्टिकली जो बातें कह रही हैं उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारा जाए। जैसे इन्होंने जो कहा है उसको अगर आपने ध्यान से सुना हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही है इन्होंने कि अगर आपका जो पार्टनर है वो डिसऑनेस्ट भी है, आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि कभी झूठ बोलना पड़ गया छोटी छोटी सिचुएशंस की वजह से, तो बजाय कि उसका इशू बनाने के कि तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला, तुम ये झूठ बोल सकते हो तो तुम कितना भी बड़ा झूठ बोल सकती हो, तुम तो धोखेबाज हो, ये समझ गए। तो छोटी बात को बड़ा बनाने की बजाय हमको समझना है कि उसने झूठ क्यों बोला, क्या पता उसने अच्छे के लिए ही बोला, कोई बदसूरत है तो जरूरी थोड़ी कि उसको जाकर के कहा जाए कि तू बदसूरत है, फिर वो कहेगा कि झूठ क्यों बोला, भाई तुम्हारा मन रखने के लिए बोला कि ठीक है मेरी नजर से तो तुम खूबसूरत ही हो, व्हाटएवर पूरी दुनिया के लिए बदसूरत हो, सो व्हाट। सो हमको उसकी नियत देखनी है सामने वाले पर्सन की। सर चलिए मान लिया हमने तो ऐसा कर लिया है कि हम समझ रहे हैं दूसरे का पॉइंट, लेकिन अगर दूसरा हमारा पॉइंट ना समझे तो उस कंडीशन में हम क्या क्या रखें अपना। मुझे पता तो कुछ ऐसे ही आने वाला है और मैंने शुरू में इसीलिए मोहन किया था कि भैया जज नहीं करना है और जस्टिफाई नहीं करना है, है ना, लेकिन मुझे पता था कि ये आएगा ये पॉइंट। बट पॉइंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सबके माइंड में आ रहा है, बोला इन्होंने है, बट आई एम श्योर सबके माइंड में आ रहा है ये पॉइंट।
कि हम तो समझ लें लेकिन सामने वाला ना समझे तो क्या करें? हम अपने आप को इतना समझदार क्यों समझते हैं? हाँ, आप बहुत समझदार हो गया, और सामने वाला बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ है, उसने भाई मेरे से शादी करी, इससे बड़ा ये सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेवकूफ हो सकता है, क्योंकि समझदार होता तो मेरे जैसे करता ही नहीं। तो हमको कभी भी ये नहीं समझना कि हम तो सामने वाले को समझ लेंगे, वो अगर नहीं समझता तो क्या करें। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आप क्या कह रहे हो, मैंने तो उसको समझ लिया, उसने नहीं समझा तो क्या? आप ये बताओ, अगर उसने आपको समझ लिया तो आप उसको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे? कोशिश कर सकते हैं सर। अरे उसके बाद कोशिश करना क्या है? अगर सामने वाला पार्टनर, एक मिनट मेरी बात सुनना, कि अगर सामने वाला आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपका मूड खराब होता है आपको समझती है, आपको सपोर्ट करती है जब आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आपको ये समझ आएगा या नहीं आएगा? आएगा कि वो ऐसी है आएगा। तो सामने वाला बेवकूफ है क्या? उसको नहीं आएगा? समझ गए क्या हो रहा है? नहीं आई ना बात पकड़ में? आ गई। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेना इज अंडरस्टैंडिंग, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना इज आर्ग्यूमेंट, इज अ क्लैश। यही तो सारे क्लैशेस की जड़ है। अपने आप को समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा। अगर हम समझ गए तो अब प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कहते हैं कि पहले तू पहले तू पहले तू पहले तू, बस यही कहानी चलती रहती है, इसी वजह से क्लैशेस चलते हैं। चॉइस आपकी है, आपको अपनी रिलेशनशिप को कैसे बनाना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये नहीं कह रहा आपको ये करना है वो करना है, चॉइस इज योर्स। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो तो उसकी शुरुआत यहां से होगी, वहां से नहीं होगी। इस स्टडी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या निकल के आई है, जो हार्वर्ड वाली स्टडी हुई है, कि ये जो रिलेशनशिप जिनकी अच्छी थी, अच्छी का मतलब ये नहीं कि उनके लड़ाई झगड़े नहीं हुए, क्योंकि ओपिनियंस तो आपस में क्लैश करेंगे ही ना। अच्छी रिलेशनशिप का मतलब क्या, कि जिसके ऊपर हम पूरी तरह से काउंट कर सके। If I can count on that particular person blindly, if I can trust that particular person whom I am in relationship with blindly, that means a good relationship. ये actual में अच्छी relationship है। अच्छी दोस्ती का मतलब भी यही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छी दोस्ती आप किसे कहते हो? वो जो आप कुछ भी करो और आ करके आपको चढ़ाता रहे, हाँ हाँ कर 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 कर, आप कोई गलत काम भी करो करना करना करना, उसको अच्छी दोस्ती कहोगे? क्योंकि वहां पर क्लैश नहीं होगा कभी भी, जो आपकी हाँ में ला रहा है वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि उसका कुछ जान ही रहा ना, आप जीते हो जियो मरते हो मरो, कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छी दोस्ती किसे कहोगे, कि अगर उसको लड़ना भी पड़ रहा है आपसे तो लड़ रहा है, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो, 10 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अकेला आकर के बोलेगा ये क्या कर रहा है, जैसे ही वो बोलेगा आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपको रोक रहा है। कोई भी हमको रोकता है हमको अच्छा नहीं लगता ना, तो उससे हमारी लड़ाई भी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी दोस्ती किससे होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाएगा ना, या नहीं आएगा, इतने बेवकूफ हो, आ जाएगा ना कौन हमारा असली दोस्त है और कौन नकली दोस्त है। नकली कौन है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से दोस्ती के बारे में सोचता है, दोस्ती को बचाने के बारे में सोचता है, वो नकली दोस्त है। असली दोस्त कौन है, दोस्ती रहती है रहे जाती है जाए, दोस्त का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, जो दोस्त के बारे में सोचता है। रिलेशनशिप जो होते हैं ना, इट्स नॉट अ डेड ऑब्जेक्ट, इट्स अ लिविंग थिंग। वट एवर इज अ लिविंग थिंग, इट डिमांड्स ग्रेट डील ऑफ अटेंशन फ्रॉम योर साइड। लिविंग में क्या होता है, रोज कुछ नया हो रहा होता है, जैसे आपकी बॉडी इट्स अ लिविंग थिंग, तो इसमें रोज कुछ नया हो रहा होता है ना, यू नीड ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू सी कि भाई अब बॉडी में कहां पे क्या गड़बड़ आ रही है। अगर अलर्ट नहीं हो तो, कहीं हल्का सा दर्द है आपने इग्नोर किया तो, करते रहे कुछ टाइम बाद पता लगा बढ़ते 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 बढ़ते, पहले ये था कुछ भी नहीं था, फिर अल्सर हुआ, फिर कैंसर हुआ, चलो जी हो गया काम, समझ गए। तो जो भी चीज लिविंग है, कोई लिविंग प्लांट भी है, तो इट डिमांड्स अटेंशन, आपको उसको रोज पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में घुसने का मतलब क्या है, यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप इज अ लिविंग थिंग। उसमें रोज आपको लगेगा एक दिन तो कि अब सब कुछ ही बहुत बढ़िया हो गया है, मूड भी अच्छा हो गया है, अब वो सब कुछ करने का मन कर रहा है जो आप करना चाहते हो, एकदम ऐसा लग रहा है ऑन क्लाउड 9 उड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। फिर एकदम से कुछ हुआ तो एकदम ही मूड इतना खराब हो जाता है, मन करता है सब छोड़ो सब बेकार है। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको मेंटली रेडी रहना होगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, देखो ध्यान से समझना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, आप रोड पे जा रहे हो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है,
तो आप उस सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे, या प्रिपेयर्ड ही नहीं हो और एकदम से कुछ हो गया, अब आप बौखला जाओगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, ये क्या हो गया। तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स इन अ रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप को ऐसे मत समझो कि ये तो अपने आप ही चलती रहेगी ना, तो वे जिंदगी भी आपकी ऐसी हो जाएगी ना, लोग ही होती हैं। ए रिलेशनशिप का क्या है, शादी हो तो गई है, बच्चे हो गए, अब क्या वो भी कहीं नहीं जाने वाली है, अभी कहीं नहीं जाने वाला, वो अपने अपने में लगा हुआ है, वो अपने में, समझ गए। तो यू कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एनी लिविंग थिंग यू कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इवन फॉर अ सिंगल डे। सेम इज विद रिलेशनशिप ऑल्सो, यू कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू कॉन्ट से कि हाँ ये तो अपने आप ही चलता रहेगा, सूख जाएगा। जैसे पौधा है, इफ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको पानी नहीं दिया जब देना चाहिए, जितना देना चाहिए, ज्यादा दे दिया वो भी गड़बड़ होता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ लिविंग थिंग जी, इट्स अ फाइन बैलेंस। ज्यादा भी नौटंकी कर दी ना वहां पे जा करके, अरे मुझे तो तुमसे इतना प्यार है, इसीलिए कहते हैं जब ज्यादा खुश हो तो कोई कमिटमेंट मत करो, और दुखी हो तो कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि दुखी हो और डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन होगा, और ज्यादा खुशी खुशी कुछ ज्यादा कर दिया तो रायता फैल जाएगा आपका जिंदगी भर के लिए। अच्छा तब तुमने वो कहा था, अरे तब मैं कहीं और ही था, कह दिया भूल जाओ, तुम भी और मैं भी भूल गया हूँ, नहीं नहीं मैं कैसे भूल सकती हूँ, अब चाहे तुम अपनी किडनी बेच करके जलाओ मुझे, मुझे तो वो हार चाहिए, तुमने कहा था। तो इट्स अ फाइन बैलेंस, ये बात आई समझ में आई, तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, अब रुक जाओ हाँ, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इसी पॉइंट पे कि देयर इज नो, कोई रूल नहीं है, मतलब रिलेशनशिप्स के कोई रूल्स नहीं है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और आप चलते चले जाओगे। रोज कुछ अलग हो रहा होगा, उससे सीख करके फिर उसको और बेटर करना है, बेटर करना है, बेटर करना है, ना कम करना है ना ज्यादा करना है, उस फाइन बैलेंस को बनाते चले जाना है। धीरे 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 क्या होगा, ये चीज एफर्टलेस होने लग जाएगी। जैसे शुरू में कुछ टाइम तक समझना पड़ता है ना, पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है कि इस पौधे को कितना पानी देना है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बार जब समझ आ जाए और एक बार शुरू में कुछ हम गलतियां भी करते हैं उससे हम सीख लें, तो धीरे धीरे फिर अपने को समझ आ जाता है, देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट एफर्टलेसली।